तो करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू द्वारा स्टार फिल्म द क्रू हो चुकी है थिएटर्स के अंदर रिलीज। तो कैसी ये फिल्म आई इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उनकी कहानी के बारे में। तो फिल्म के अंदर तीन मेन किरदार हैं जो कि कोहिनूर नाम की एयरलाइंस में काम करती हैं, लेकिन इनकी एयरलाइंस हो चुकी है बैंकक्रप्ट, जिसकी वजह से इनको सैलरी तो मिलने से रही, तो इनको घर चलाने के लिए चाहिए पैसे। लेकिन फिर इनको पता चलता है कि इनकी एयरलाइंस में हो रही है सोने की तस्करी या फिर कह लें स्मगलिंग। इसके बाद क्या हुआ ये तो आपको फिल्म के अंदर ही पता चलेगा। फिल्म के कॉमेडी भी है जो कि आपको बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं लगेगी, खासकर तब्बू के वन लाइनर्स तो एकदम बढ़िया। लेकिन यार इन लोगों ने फिल्म के अंदर इतने ज्यादा प्रमोशंस क्यों किए, बजट की कमी थी क्या? वो इन सब के अलावा फिल्म के सेकंड हाफ में जो हाइस्ट या फिर कहें जो चोरी दिखाई गई है जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पूरी फिल्म आपको एंटरटेन तो जरूर करेगी। फिल्म के अंदर तीनों एक्ट्रेस ने काफी अच्छा काम किया है, खासकर तब्बू ने। इसके अलावा फिल्म के अंदर दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी हैं, जिनमें से कपिल शर्मा का तो रोल काफी ज्यादा छोटा है। तो रोल द क्रू फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी, मैं दूंगा फिल्म को 2.5 out of 5 स्टार। और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ फिल्म देखने जा रहे हो तो ध्यान से जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।